नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है मनोज कुमार। कृषि जागरण के फार्मर द जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक युवा किसान है जो कि बताएंगे आलू की फसल को किस प्रकार से किया जाता है। क्या नाम है भैया आपका? राकेश कुमार। कहा रहे थे मेवात से। अच्छा, आपने आलू के बारे में बात कर रहे हैं, आलू की फसल को किस प्रकार से लगाया जाता है? आलू फसल है जिसको जुताई उसकी बढ़िया होना चाहिए, खेत की कुछ मायन होना चाहिए, कुम मायन लकड़ी जुताई होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद पटेल लगाकर उसकी नालियाँ बनाई। अच्छा, नाली बनानी पड़ती है। किस किस से नाली बनाते हो? वो पतली वाली कसी होती है आलू वाली। अच्छा, कसी होती है? कसी होती है, पतली। हाँ, तो उससे भी नाली खींच लेते लंबी लंबी। हाँ, तो उसमें आलू रख दें, खुरपा लगा या वैसे ही रख दें। अच्छा, आलू के बीज की बात की जाए तो बीज कहाँ मिलता? मंडी में मिल जाता पीलीभीत। किस हिसाब से मिल जाता? अब भाई रेट तो महंगा होता सब, अब बढ़ता बढ़ी भी जाता है। अच्छा, जैसे कौन सा आलू सबसे बढ़िया होता है लगाना चाहिए? ये पुखराज है और चंद्रमुखी है। अच्छा। और जीएम 27 है। जी यार, जीएम 27 मीठा नहीं होता है। अच्छा। और खाने में बढ़िया रहता है। जीएम 27 मिलता है, पहाड़ी मिलता है, पहाड़ियों लंबा आता है वो गाड़ो। अच्छा। और लाल एक आता है लंबा वाला, वो भी सही रहता है। अच्छा, जैसे अभी आप बता रहे मंडी बीज ही लेने जा रहे हो क्या? बीज लेने जा रहे हो। अच्छा, फिर क्या करेंगे उसके बाद? बीज लगाएंगे। हाँ, आलू लगाएंगे। अच्छा, रेजा बनाने पड़ते हैं, बताओ पूरी बात। हाँ, रेजा जैसे जैसे खेत जुताया बढ़िया करके। ठीक। और फिर नालियाँ बनाई रस्ते अपनी डोर से, जैसे गन्ना सजाते हैं। हाँ, डोर लगा के नाली बना ली हल्की, उसमें आलू रख देना जहाँ था, फिर अपने कबारे। अच्छा, आलू क्या उसमें पैसे होते हैं? थोड़ा खूब जमा होना चाहिए। अच्छा, जमा होना। अगर नहीं जमा है तो उसको थोड़े दो चार दिन रखने घर में। अच्छा, फिर जम जाता है। किल्ला निकले हमें हल्के से माँ बोली थी, उसको कटाई करके काट के लगाना पड़ता है। काट के लगा, छोटा है तो छोटा है तो ऐसे लगा देना। अगर काटना है कब बड़ा है तो काट दो पीस करके, या तीन पीस जैसे पीस बनते हो आलू बड़ा किताब से। अच्छा, आप कितनी जगह में लगा रहे हैं आलू? अरे हम तो थोड़ी बीचा लगाएंगे। अच्छा, थोड़ी बीचा। एक बीघा में लगाएंगे। एक बीघा में अगर बात की जाए तो कितना बीज लग जाए? अरे एक बीघा में कम से कम तीन बोरी तो लग जाएगी। अच्छा, तीन बोरी का? चार बोरी भी लग सकता है। चार बोरी का रेट कितना होएगा? रेट जैसे पिछले तो बहुत महंगा था, 1100 की बोरी थी, अब पता नहीं। अच्छा, इस बार अभी पता नहीं। हाँ, MGM 27 लाए थे, 1100 की बोरी बताई। अच्छा, एक बात और पूछूं मैं, लगभग एक बीघा में जैसे एक अंदाजा मैं पूछ रहा हूँ, कितना खर्चा आ जाएगा आपका लगाने लगाने में? तो तीन बोरी मान लो, नहीं तो चार बोरी, जैसे ज्यादा डालोगे चार बोरी पड़ सकता है। अच्छा, चार बोरी वो मान ली, फिर जुताई भी कराई उसका। हाँ, भी खर्चा होता है। और क्या? और खाद की कोई खाद वाद लगाते हो? खाद कम से कम खाद लगाते हो? डीएपी लगाते हो? डीएपी और सुपर पोटाश भी डालते हैं। अच्छा, जैसे देसी खाद बताते हैं बहुत बढ़िया रहती है, देसी मिल जाए तो क्या बात है? गोबर वाली? हाँ, गोबर वाली देसी मिल जाए तो और बढ़िया, हल्की मात्रा में खाद लगेगी फिर। अच्छा, बोने के कितने दिन बाद जमना शुरू हो जाता आलू? जी एक महीने बाद। एक महीने? एक 25 एक महीने, नमी बढ़िया है तो 25 दिन में निकलने लगेगा। जी। और जैसे हल्की है तो महीने भर में। अच्छा, एक बीघा में निकल कितना आएगा आपका लगभग? एक बीघा में कम से कम 20 क्विंटल। 20 क्विंटल ज्यादा भी निकल सकता है। पैदावार जैसे तुमने पैदा कर लिया उसी हिसाब से आलू पड़ता है, आलू कोई बदर नहीं होती है। अच्छा, मतलब अच्छी बचत है खेती में आलू की? आलू तो सही पता होगा, आलू मेहनतों कम है, एक दो नराई गुड़ाई लगती है बस आलू पैदा होगा। अच्छा, नराई गुड़ाई होती है। अच्छा, इसमें दवाई की बात की जाए, कीड़े उड़े भी लगते होंगे? हाँ, नीचे फोरा उड़ा डाल देते हैं गड़ाई बखत। अच्छा। और फिर ऊपर से जैसे चुर्रा लगता है। अच्छा, चुर्रा को छिड़काव करना चाहिए। अच्छा, 45 होता है, 75 है, 45 इसका छिड़काव होता है, पत्ती उसकी सुलझे कुंजन नहीं। सही। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कृषि जागरण फार्मर द जर्नलिस्ट को लाइक बार सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।